dive like kryptonite. And if you keep me close every minute in this hourglass, you hold. तो गाइज डे टू इन वैनकूवर ब्रिटिश कोलंबिया और हो रही है बारिश यहाँ पे. मेरे हिसाब से 300 दिन बारिश होती है बोलते हैं भाई हर साल, और आज उनमें से एक दिन है. तो हम एम्ब्रेला रेंट करके लाए हैं. मैंने आपको क्लिप में दिखाया कि कैसे हमने उसको रेंट किया, और एक दिन के लिए रेंट पे हम फ्री में ले सकते हैं. तो अब हम जा रहे हैं कुछ नाश्ता पानी करने, और उसके बाद देखते हैं कि कौन सी जगहों पर आज घूमेंगे. ऑब्वियसली क्योंकि बारिश हो रही है तो मैं आज अपने कैमरे को बाहर नहीं निकालना चाहता फिर से, जबकि मैं साथ में लेके आऊँ. तो लेट्स सी कि कैसा दिन रहता है. अभी टाइम अराउंड 12 बज रहे हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग दिन मेरे हिसाब से होने वाला है. तो काफ़ी कुछ प्लान है आगे के लिए, स्टे ट्यून्ड एंड कुछ नाश्ता करते हैं भाई. तो भाई ये जा रही है हमारी येलो छतरी गैंग, और हम बस की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमको ब्रिज पे जाना है किसी, जो कि काफ़ी अच्छा व्यू जहाँ पे हमको देखने को मिलेगा. कैसे चलेगा, ऑन हो गया हाय गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू आयुष शूट चैनल. सो वी आर हियर, लाइक एज यू नो, दिस इज आशीष एंड This is Raj, Rajat Bansal. We are having fun here. So where we are here? Like, we are in this place. We are in Bangkur. It's Bangkur, not Vancouver. What it spells like? It is B-A-N-K-U-R, Bangkur. तो गाइज़ अभी हम उतरे हैं यहाँ पे बस स्टैंड पे, जो कैपिलानो ब्रिज है हम वहाँ पे जा रहे हैं, इस नाम की जगह है. लेकिन यहाँ पे भी जहाँ हम उतरे बस स्टैंड पे, भाई देखो इट्स सो ब्यूटीफुल क्लीन हेयर इन वैनकूवर, कि मतलब ऑब्वियसली क्योंकि वाटरलू कनाडा ओवरऑल काफ़ी साफ़ सुथरा तो है, लेकिन यहाँ पे आके एक अलग ही वाइब आ रही है. ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा है, कुछ अलग फील हो रहा है. ऐसा लग रहा है इस चीज़ की ज़रूरत थी, क्योंकि जब से हम आए इतनी ठंड लग रही थी और ऐसा मौसम हमने अभी तक इन्जॉय नहीं करा यहाँ पे. तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया है, मैं एक्साइटेड हूँ ब्रिज के लिए. एंड आई थिंक ये गाइज जा रही है पीछे एक ट्रेल, अभी हम यहाँ पे नहीं जा रहे, लेकिन ऐसी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि एक्सप्लोर कर सकते हैं हम यहाँ पे. तो अभी ब्रिज पे जाने का प्लान है, बहुत अच्छी लोकेशन पे हम आ गए हैं, तो कंटेंट डेफिनेटली मुझे लग रहा है बढ़िया बनने वाला है. सारे व्लॉग्स मैं एक एक करके डाल रहा हूँ, तो आपको बाद में देखने को मिलेगा सब कुछ, लेकिन इंस्टाग्राम पे मैं बहुत कुछ डाल रहा हूँ. डेफिनेटली आपने थोड़े बहुत टीजर्स ऑलरेडी देख लिए होंगे. तो गाइज हम बाहर आ चुके हैं यहाँ पे ब्रिज के, आप देख सकते हैं पीछे एंट्री है. तो अब बस टिकट लेके अंदर जाने वाले हैं, और मैंने अभी देखा है बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम अंदर कर सकते हैं. शोर बहुत हो रहा है यहाँ पे कार्स का, लेकिन आई होप आप क्लियरली सुन पा रहे होंगे मुझे. तो हम बहुत जल्दी अब अंदर जा रहे हैं, एंड बहुत कुछ है अंदर एक्सप्लोर करने के लिए जैसा कि मैंने कहा. तो लेट्स गो इनसाइड. तो गाइस इस एंट्री से हम अंदर आए हैं, और यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल है कि आई डोंट थिंक मुझे अब आपको अपनी ज़्यादा चकल दिखाने की ज़रूरत है. लुक एट दिस व्यू, मतलब एंट्री यहाँ पे बहुत सारी है, और अगर हम देखें तो ये इस पूरा जगह का जो है वो मैप है, जो कि बता रहा है कि यहाँ पे बहुत कुछ है अंदर करने के लिए. और ये सब प्रॉब्लम हम एक एक करके ट्राई करेंगे. अंदर चल के खड़े हैं सारे लोग यहाँ पे, फोटो सेशन चल रहा है पूरा. तो ये है भाई सारी एंट्रेंस से जो हम निकल के आए, ये छोटा सा एरिया था, और जो आपको ये ब्रिज ऊपर देखने को मिल रहा है जहाँ लाइट्स लगी हुई हैं. लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे देखे तो भाई ऐसा लग रहा है अंदर पूरी वाटरफॉल टाइप चल रही है. और ये रहे सारे वो एरियाज़ जहाँ पे दिखाया गया है कि कहाँ पे डायरेक्शंस हैं. इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, अभी तक जो फर्स्ट ओपिनियन है वो बहुत बढ़िया ही आया है. तो वो है गाइज एक्चुअली मैं ब्रिज जो आप सामने देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ कि वहाँ तक हमको एक्चुअली अभी जाना है, और फिर उसको पार करके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें. एंड हियर्स आर मिस्टर भाटिया. व्लॉग में आ नहीं रहे भाई, क्या एक्सपीरियंस, एक दो लाइन तो बोलना पड़ेगा भाई. यार एक्सपीरियंस अच्छा है ब्रो, बढ़िया जा रहा है. अच्छा एक्सपीरियंस है, वैनकूवर है, कुछ नया देखने को मिल रहा है, और मतलब इंटरेस्टिंग टिल नाउ. तो आई डोंट नो कि गाइज, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं कोई यहाँ पे प्रोफेशनल व्लॉगर तो हूँ नहीं जो कि आपको मतलब बिल्कुल एकदम कमाल टॉप क्लास कंटेंट दे, लेकिन जो मैं फ़न कर रहा हूँ मैं आपको वो दिखाने की मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ. आई थिंक कि ये जो पीछे है बहुत ज़्यादा डीप जा रहा है, और मैं सामने एक वाटरफॉल देख सकता हूँ. आई डोंट नो आपको दिख रही है या फिर नहीं, आप पीछे देख सकते हैं ये रही वाटरफॉल. तो सब लोग यही कह रहे हैं कि भाई कैमरे से ज़्यादा बेटर जो है वो फ़ोन में व्लॉग बन रहा है, और क्योंकि रात होने वाली है तो डेफिनेटली आई डोंट थिंक कि नाइट में उतना अच्छा कैमरा जस्टिस करता है. तो फ़ोन ही करेंगे ट्राई, और जहाँ मुझे ज़रूरत लगेगी मैं कैमरा भी निकालूंगा. तो आपको मिक्स फुटेज दिखने वाली है. भाई क्यों परेशान हो, ब्रिज पे ले चलो भाई मुझे, ब्रिज पे ले चलो मुझे, जा रही है
तो गाइज अब मैं जा रहा हूँ धीरे धीरे यहाँ पे ब्रिज पे फाइनली नीचे की तरफ। बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू तो है और ब्रिज थोड़ा थोड़ा हिल भी रहा है लेकिन स्लिपरी भी है आई थिंक। तो अब मैं आगे आपको व्यू दिखाता हूँ क्योंकि मैंने आपको बोला कि ज़्यादा मुझे अपनी शक्ल दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सो गुड राइट हियर। तो ये है गाइज ब्रिज से एक्चुअली जो व्यू आ रहा है। इस समय मैं ब्रिज के बीचों बीच खड़ा हूँ, जैसा कि आप वहाँ पे देख सकते हैं हमको वाटरफॉल देखने को मिल रही है। ये अभी हम ऊपर जाएंगे यहाँ से, इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और आई थिंक ये नीचे से जो है छोटी सी रिवर बह रही है। सामने बहुत ज़्यादा फॉगी है और इसी वजह से मैं अपना कैमरा नहीं यूज़ कर पा रहा हूँ क्योंकि उस पर भाई लेंस पे पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा था तो मुझे दिक्कत हो रही थी, बार बार उसको साफ़ करना पड़ रहा था। आई होप कि थोड़ा बहुत जस्टिस से फुटेज कर पा रही है इस पूरे व्यू को, क्योंकि आई थिंक कैमरे में उतना क्लियर इस वजह से नहीं दिख रहा है क्योंकि बार बार लेंस हो रहा है गंदा। तो अब मैं चलता हुआ जा रहा हूँ ब्रिज के ऊपर और जैसा कि मैंने आपको बोला बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। तो अंदर भी बहुत कुछ है, व्यू मैंने आपको दिखाया है पीछे का कि कितना बढ़िया है, मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस ऐसी जगह का। $50 की एंट्री लगी इसके अंदर आने की। पहले तो हम कंसिडर कर रहे थे कि भाई आना भी चाहिए या फिर नहीं, लेकिन उसके बाद हमने कहा कि यहाँ तक आए हैं तो इसको मिस नहीं करना चाहेंगे। अल्टीमेट है यहाँ पर एक्सपीरियंस सारा। और अब आगे मैं उम्मीद कर रहा हूँ और भी बेटर चीज़ें देखने को मिलेंगी, लाइट शो एंड एवरीथिंग। तो गाइस अपने नए फ्रेंड से अब फाइनली मैं मिला रहा हूँ। हिज नेम इज रॉबिन। हेलो माय फ्रेंड, एंड ही इज फ्रॉम मुंबई। फ्रॉम मुंबई, यस। तो मैंने आपको बोला था कि थ्रू द व्लॉग्स मैं आपको सब बंदों से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। ही इज अ वेरी चिल गाय, यू नो। और रॉबिन, आई वुड लाइक टू आस्क यू, मतलब कैसा एक्सपीरियंस है सो फार फ्रॉम वैंकूवर? आई लाइक हाउ ग्लूमी एंड रेनी इट इज। ओके, इट्स रियली गुड, रिमाइंड्स मी ऑफ माय ओन सिटी। या सो इज फ्रॉम मुंबई जहाँ पे बहुत सारी बारिश होती रहती है। वैंकूवर में भी काइंड ऑफ सेम चल रहा है लेकिन डेफिनेटली इट्स मोर ब्यूटीफुल। एंड इट डजंट फ्लड ओवर हियर सो। तो गाइस ब्रिज हो चुका है खत्म और अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। आई थिंक ये पूरा कॉपिलानो ब्रिज पार्क जो है इसके अंदर काफी लंबा ये ब्रिज है। वो मेन ब्रिज था जो हमें ऊपर तक लाया और अब अंदर ही अंदर इस पूरे एरिया में काफी सारी ट्रेल्स हैं। बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है, काफ़ी मतलब लाइट्स इन्होंने लगा रखी हैं और जबकि 6 बजे तक बंद हो जाता है अंधेरे में, 7 बजे तक हमको अलाउड है अंदर रहना। तो आई थिंक जब थोड़ा अंधेरा और हो जाएगा तो लाइट्स और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेंगी, उसके लिए हम डेफिनेटली यहाँ पे रुकेंगे। और आई थिंक कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं अभी और जो हमने यहाँ पे देखी नहीं है। ऊपर एक कॉफ़ी शॉप थी, हो सकता है वापसी में वहाँ से कुछ खा पी लें, लेकिन जो एक्सपीरियंस है उसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी आपसे वॉक करते हुए कि भाई अनबिलीवेबल है। मतलब अगर आपको मौका मिलता है तो भाई आपको छोड़ना नहीं चाहिए ऐसा। और अब हम यही प्लान कर रहे हैं कि भाई हर साल एटलीस्ट एक नई जगह जो है वो कनाडा में ऐसे आके एक्सप्लोर करें फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज इट्स सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे कि भाई मैं फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ, कितना महंगा मेरे पास कैमरा है, बट आई एम जस्ट इन्जॉइंग माई सेल्फ और वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ। तो कंटिन्यू रखते हैं और आई डोंट नो व्लॉग कितना लंबा बनेगा क्योंकि मैं डे वाइज बना रहा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी मैक्सिमम आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखाऊँ। तो गाइस ये बोर्ड पर मैंने जस्ट पढ़ा, जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा है कि चाहे कोई भी सीज़न हो फ़र्क नहीं पड़ता, ये रेन फॉरेस्ट है तो ये पूरे तरीके से ग्रीन ही रहता है किसी भी सीज़न के अंदर। और ये साथ के साथ हम एक और छोटे से ब्रिज के नीचे से निकल के आए, यू सी दिस व्यू इज़ आल्सो रियली गुड। एक और बोर्ड दिखा गाइस जहाँ पे एक बहुत कमाल की इन्फॉर्मेशन है कि यूजुअली वैंकूवर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है। तो November 26 को यहाँ पे 14 इंचेस की रेनफॉल गिरी और पूरे ब्रिज के ऊपर ऐसे पेड़ गिर गया था, लेकिन तब भी जो ब्रिज की वायर्स हैं इतनी विंड में स्नो में कुछ उसने डैमेज नहीं करा। और बोला जा रहा है कि ये काइंड ऑफ उस पेड़ का ऐसा इन्होंने बना रखा है जिस तरीके से ब्रिज पे गिरा था, लेकिन उसके बावजूद कुछ हुआ नहीं है। तो काफ़ी सारी हिस्ट्री भी जुड़ी हुई है, थोड़ी थोड़ी मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ इन बोर्ड से पढ़ के जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। तो आप पॉज कर सकते हैं और पूरे तरीके से इसको अच्छे से जो है पढ़ भी सकते हैं और इन्फॉर्मेशन के लिए। तो गाइज व्यूज़ के लिए ये सारा स्पॉट बना है, लुक एट दिस व्यू। मतलब जिस तरीके से उन्होंने ऊपर वाइट लाइट्स लगाई हैं और नीचे पानी में उसकी रिफ्लेक्शन पड़ रही है, म्यूज़िक बज रहा है, लोग फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, एंड इस तरफ भी जो है हमें सारी लाइट्स ऐसे देखने को मिल रही हैं, चारों तरफ फॉरेस्ट है। तो बहुत चिल्ड आउट वाइब है यहाँ पे एंड डेफिनेटली वन इन अ लाइफ टाइम तो नहीं लेकिन वापस यहाँ पे आ सकते हैं, पर एक बहुत कमाल का एक्सपीरियंस जो है आज हमें हुआ है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। तो गाइज यहाँ पे जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत सारे स्पॉट्स हैं और अब मैं आशीष से भी पूछना चाहूँगा कि भाई अभी तो ये फर्स्ट जगह है जहाँ पे हम आए हैं प्रॉपर, तो क्या एक्सपेक्टेशंस है भाई, मतलब क्या कुछ होगा वैंकूवर में? वैंकूवर इज सच अ प्रिटी प्लेस। अभी जब आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी थी उसमें आपने बर्फ ही बर्फ देखी थी, राइट? यहाँ रहने का भी एक साइड इफेक्ट कह सकते हैं कि
बारिश बहुत ज़्यादा होती है, एक मिनट में चलती है और एक मिनट में बंद भी हो जाती है, इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल। लोगों ने तो स्टार्टअप भी खोल रखे हैं अपने अम्ब्रेला के, जो हमने रेंट प्रॉब्ली बेस्ट डिसीजन था हमारा कि आज हम अम्ब्रेला लेके आ गए गाइस। और जब हम आए यहाँ पे हमें लग रहा था कि बस एक ब्रिज होगा, पर एक्चुअली में अंदर इतना कुछ था, कूल स्पॉट्स हैं काफ़ी सारे, तो दो तीन घंटे कब निकल गए यहाँ पे पता भी नहीं लगा। और हमारे पास अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, तो आई होप कि तीन दिन आशीष इनफ हो हमारे लिए यहाँ पे। टू बी ऑनेस्ट तीन दिन कभी इनफ नहीं रहते इतनी प्यारी सिटी एक्सप्लोर करने के लिए, बट या आई एम कंसिडरिंग टू मूव हियर। एक दिन में तो जजमेंट नहीं लूंगा ये वाली, बट इट्स सच अ गुड प्लेस टू लिव। तो गाइस जैसे कि वो एक मेन ब्रिज था फर्स्ट वाला, अब ऐसे ही हम एक और छोटे से ब्रिज पे जा रहे हैं, तो इस तरीके से उन्होंने फॉरेस्ट को जो है वो कनेक्ट करा हुआ है। तो यहाँ पे छोटी सी स्टेयर्स हैं और इसके बाद हम ऐसे पूरा घूम के जाएंगे एक अगले ब्रिज की तरफ। तो अब हम इस तरफ से फिर से नीचे जाएंगे एक और ब्रिज की तरफ। सो काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने, मतलब मैं कहूँगा वेल कनेक्ट करा हुआ है इस पूरे रेन फॉरेस्ट को। तो यही है गाइस जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक ब्रिज, दूसरा ब्रिज, फिर तीसरा ब्रिज, तो इस तरीके से सब कुछ कनेक्टेड है। ये हैं वो छोटी सी स्टेयर्स, ये इन्होंने मतलब कितने ऊंचे पेड़ पे कहाँ तक लाइट्स लगा दी हैं भाई। मैं तो सोच रहा हूँ कि कैसे इन्होंने करा होगा, मतलब वो पेड़ वहाँ से कितने ऊपर तक उस पर लाइट्स लगी हुई हैं। तो अब ब्रिज टू ब्रिज हम जा रहे हैं और पूरा फॉरेस्ट इन्जॉय कर रहे हैं। प्रॉब्ली हम विस्लर जाएंगे जो कि एक बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे नियर वैनकूवर, एक दो घंटे की ड्राइव पे, जहाँ पे माउंटेन पीक्स एंड ट्रॉली है। अगर वहाँ पे हम गए तो आई थिंक बहुत ही डिफरेंट आपको व्लॉग देखने को मिलेगा इस रेन फॉरेस्ट के बाद। तो काफ़ी आपको पता लगेगा कि कैसे एक छोटी सी जगह के आसपास ही दो बिल्कुल अलग टाइप की लोकेशंस भी हैं जहाँ पे हम घूम सकते हैं। तो ये चल रही है डिस्कशन कुछ वीडियो बनाने की, लेट्स सी क्या होता है। ये रहा मेरा कैमरा एंगल, पूरी टेंशन चल रही है यहाँ पे। करो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, बेबीज। यूं नजरें ना फेरो तुम, मेरे हो मेरे तुम, कह दो एक बार जो चाहे जबान। इस भाई में तो गाइज रजत भाई भी हमारे साथ हैं, जिनको आप नायग्रा फॉल्स वाले व्लॉग में आपने देखा है था। तो इनसे भी मैं पूछना चाहता हूँ, सबसे मेरा ही सवाल रहता है कि भाई क्या कैसा है एक्सपीरियंस यहाँ वैनकूवर में आने का। भाई मुझे बहुत अच्छा लगा डेफिनेटली। और कुछ मुझे कैसा लगा? बहुत अच्छा, और आई डोंट थिंक कि इसके अलावा और कुछ वर्ड्स हैं जो हम डिस्क्राइब कर सकें। जब जन्नत में जाते हैं ना तो लोग पहले यहाँ पे आते हैं, भाई जन्नत में जाते हैं। बस अब पूरा व्लॉग वेस्ट है, सिर्फ ये आपको जानना ज़रूरी है जो हमको रजत भाई ने लाइंस बताई हैं। और आई थिंक कि और जो डेस्टिनेशंस हैं ये कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं मुसाफिर हूँ, मैं तो चला। ये भाई चले गए अपने मूड में रहने वाले हैं, लेकिन बड़े कमाल के बंदे हैं भाई। तो आपको ऐसा ही ग्रुप चाहिए जब आप लोग आते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ घूमने के लिए। तो डेफिनेटली गाइज मैं सब लोगों को बीच बीच में इन्वॉल्व कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि आप लोग भी इनको धीरे धीरे, क्योंकि आगे के भी ब्लॉग्स में देखेंगे तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए लोग आगे हैं कौन। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। और मैं इधर हमारे एक्चुअल जो हीरो साहब हैं वो आ गए हैं, तो इनको भी हम भाई एक दो लाइन में अगर बताना हो कि कैसा लगा आज का ये हमको पार्क। देखो हाय गाइस, बाय द वे, तो पहले हमारा कुछ प्लान नहीं था, बट इवेंचुअली व्हेन वी फिगर्ड आउट लाइक ओके वी कैन डू लाइक एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज इनसाइड द पार्क, सो द बेस्ट थिंग वाज लाइक दिस द व्यू एंड द लाइट्स, एंड वी गॉट लकी बिकॉज like they decorated the whole park or the whole what I can say the view because of the Valentine, like Valentine's coming on 14th, like we all know, so because of that as well they really decorated it well, all the lights and everything, it's beautiful, I loved it. ये बढ़िया पॉइंट बोला, क्योंकि मैंने बताया नहीं था कि ये फेब्रुअरी में इन्होंने लव लाइट्स करके कुछ इनका चल रहा है, तभी ये सारी लाइटिंग। आई डोंट थिंक कि वैसे यहाँ पे लाइट्स रोज लाइक नॉर्मली रहती होंगी, बट कुछ नॉट लाइक द वेदर एंड द लाइटनिंग वी सॉ टुडे, इट वाज
ओवरऑल एक्सपीरियंस? इट वॉज लाइक फॉर मी, इट वॉज लाइक आई एम स्टिल ऑस्ट्रक, लाइक इट वॉज दैट गुड फॉर मी। तो भाई मैंने सब लोगों से पूछ लिया आज और सब ने इस जगह की बहुत तारीफ की और ये मैंने रेकमेंड करा है कि अगर किसी को आना है वैनकूवर तो ये जगह मिस नहीं होनी चाहिए। इवन इफ लाइक यू हैव टू स्पेंड लाइक मोर देन 40 बक्स फॉर द टिकट एंड फॉर एग्जांपल वी जस्ट शोड आवर स्टूडेंट कार्ड एंड वी गॉट लाइक $10 डिस्काउंट ऑन दैट एंड इट वॉज वर्थ इट। या एक एक करके लाइन अब भाई तुझे भी बताना पड़ेगा कि ये मैं अपने जैसा छाता हटाऊं या बताना पहले बता दो। मुझे बताना क्या है? कुछ नहीं बताना। क्या क्या बताना? वैसे यार कुछ दो लाइन होनी चाहिए व्लॉग के लिए। दो शब्द, आई लव यू गाइस। तो आप देख सकते हैं ब्रो गाइस यहाँ पे लाइटिंग, देयर इज अ ट्री और हम जा रहे हैं नीचे। आई डोंट थिंक हम पूरा नीचे तक जा सकते हैं क्योंकि अगर ऐसा है तो मैं तो करना चाहूँगा पर आई थिंक नीचे थोड़ा ज़्यादा वाइल्ड हो जाएगा जाना। अंधेरा भी बढ़ रहा है, दिस इज इवन मोर ब्यूटिफुल क्योंकि अंधेरे में ऑब्वियसली लाइट्स बेटर लगती हैं गाइस। एंड लुक एट दिस, हम इस पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहाँ से आप सामने से देख सकते हैं और इधर कुछ लिखा है वन ऑफ द मोस्ट बिजार फॉर्म्स ऑफ लाइफ। आई थिंक ये बेसिकली इस मतलब कुछ एनिमल, आई थिंक इट्स लाइक इट्स अ फॉसिल, एक पत्थर जो कि यहाँ पे है। गाइज किसने सोचा था कि ये रात को ऐसा हो जाएगा, और मैं आपको बोल रहा था हम जाने नहीं वाले। लुक एट द व्यू हेयर, नीचे वहाँ पे पानी के उधर लाइट्स और यहाँ सामने जो व्यू आ रहा है भाई, मैं थोड़ा सा आपको डार्क करके दिखाता हूँ कि कैसा एक्चुअली में लग रहा है। लुक एट दिस व्यू, इधर ब्रिज है इतना पतला सा और हम इस पे चल रहे हैं एंड दिस इज़ द फॉरेस्ट अराउंड अस, अमेजिंग। और एक और बोर्ड यहाँ पे दिखा है द वाटर टर्न्स टू आइस एंड स्प्लिट्स द रॉक। माय गॉड, मतलब पत्थर को तोड़ देती है यहाँ पे पानी जो है वो बर्फ़ बन के, अमेजिंग अमेजिंग। और लुक एट दिस गाइस, रात को तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है। आई डोंट थिंक कि आपको इस पॉइंट पे मुझे कोई देखने की ज़रूरत है क्योंकि लुक एट दिस, वो ब्रिज है वो फर्स्ट वाला जिससे हम चल के आए थे, इट लुक्स लाइक अ फ्लैश लाइटनिंग नाउ। तो गाइस ये एक टनल इन्होंने यहाँ पे बना रखी है, टनल नहीं लेकिन एक स्केरी सी चीज़ लग रही है भाई। साइड में पूरा प्रोटेक्शन है लेकिन क्या मस्त इसका व्यू आ रहा है भाई। रेड कलर की रिंग लाइट्स यहाँ पे लगी हुई हैं एंड पूरा नीचे जंगल है हर तरफ, अलग ही लेवल की यहाँ पे जो है मज़ा आ रहा है सबको। ये सामने भी वीडियोस बन रही हैं, फोटोज चल रही हैं। द फाइनल पॉसिबल व्यू जो गाइज मैं आपको दिखा सकता हूँ यही है एंड दैट इज़ जब पूरा अंधेरा हो गया है, सारी लाइट्स जल गई हैं, दिस इज़ हाउ दिस फॉरेस्ट लुक्स लाइक। अपने थॉट्स बताएं इस व्यू के ऊपर और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जितना भी कॉन्टेंट मैंने दिखाया है इस वीडियो में और आने वाली वीडियोज़ में भी वो आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे। तो गाइज थैंक यू सो मच जो लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है, मैंने आपको पूरा जितना मैं घुमा सकता था एरिया घुमाया है और अब इतनी रात हो गई, आई डोंट थिंक और कुछ बचा है जो कि मैंने कवर ना करा हो। तो प्रॉब्ली अब हम डिनर करने जाएंगे और उसके बाद हम कल का दिन जो स्टार्ट होगा उसमें देखते हैं कहाँ पे घूमने जाएंगे। डे 3 जो होगा वैनकूवर का वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, यहाँ तक वीडियो देख लिए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपका कोई नया फ्रेंड है जिसको आपको लगता है ऐसा कॉन्टेंट पसंद आएगा डेफिनेटली उसको भी आप ये वीडियो सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।